मेष राशि, धन लाभ की बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं और इस समय धन का उत्तम लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। संपत्ति के तमाम काम आपके हल होने वाले हैं और इस समय आप देखेंगे आपके करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव हो सकता है। तो दिन आपका अच्छा है, और अच्छा कैसे बनाएंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आपके स्वास्थ्य में और आपके मन के मामले में सुधार होगा। आपके काम से जुड़ी हुई जितनी भी रुकावट है वो रुकावट आपकी दूर होगी, और इस समय अगर आप जरा सी भी कोशिश करें तो आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करिएगा, आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ और मंगलकारी हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय फिलहाल मत लीजिएगा। लिखा पढ़ी के मामलों में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर गुड़ का दान करते हैं तो दिन की मुश्किलें, दिन की दिक्कतें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति आपकी लगातार अच्छी बनी हुई है और अभी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी आपके सुधार होता दिख रहा है और शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम के नए अवसर इस समय आपको प्राप्त होंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी और इस समय दूर स्थान से या विदेश से कोई लाभ हो सकता है। भगवान सूर्य को एक लोटा जल अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप भोजन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, चोट चपेट का बहुत ध्यान रखिए। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति रखिएगा। और महत्वपूर्ण काम फिलहाल एक दो दिन के लिए टाल दें, क्योंकि इस समय आपके काम बिगड़ सकते हैं। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
वृश्चिक राशि, करियर में इस समय कुछ परिवर्तन आपके हो सकता है। धन की स्थिति में हालांकि सुधार होगा और परिवार में कोई शुभ या कोई मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, आपके परिवार में खुशियां आएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ दौड़ भाग भी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी ऐसा लग रहा है। एक लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, बेवजह की दौड़ भाग से बच पाएंगे। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मकर राशि, मन की जो तमाम चिंताएं थीं वो आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं और इस समय अगर आप प्रयत्न करेंगे तो आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। धन लाभ के बड़े सुंदर योग बने हैं, इसलिए किसी की सहायता करिए। किसी निर्धन को धन का दान करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासतौर से पेट का और हड्डियों का। बेवजह के विवादों से इस समय बचाव करना चाहिए। काम का बोझ थोड़ा बढ़ा हुआ है, उससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन को अगर गुड़ का दान करें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम होंगी, दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपकी भावनात्मक समस्या में, आपकी इमोशनल प्रॉब्लम में सुधार होगा। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा, अगर आप कोशिश करें तो आपका धन आपको मिल जाएगा। एक लोटा जल अगर भगवान सूर्य को चढ़ा दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ।